जिनके नेता राष्ट्र का अपमान करते, उनके पार्टी के एमएलए से और क्या उम्मीद की जाएगी। भारत में लोगों ने कहा था राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर भी बना और भारत का राष्ट्र गीत हमारे आत्मा में बसा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरव राज। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार किया तो बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। पहले बिहार के तमाम बीजेपी विधायक या नेता इस चीज़ को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के कड़ा एतराज़ जताया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अख्तरुल ईमान के साथ साथ उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी टारगेट में ले लिया है। पहले आप गिरिराज सिंह को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। अख्तरुल ईमान को लेकर के जब उन्होंने राष्ट्रगीत गाने से इनकार किया तो गिरिराज सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि उनके नेता भी राष्ट्र विरोधी हैं और जिन्ना के सपनों को आगे लेकर के चल रहे हैं। पहले आप सुनिए गिरिराज सिंह को। मातरम गाने से मना कर दिया है। ओवैसी की पार्टी के हैं, ओवैसी भारत के अंदर संसद में भी वो उसमें नहीं रहते। जिनके नेता राष्ट्र का अपमान करते, उनके पार्टी के एमएलए से और क्या उम्मीद की जाएगी। और ओवैसी तो जिन्ना के सपनों को लेकर के भारत में भ्रम फैला करके विभेद फैला रहे हैं, लेकिन 1947 दोबारा नहीं आने वाला है भारत। उन्होंने कहा कि थोपा जा रहा है, जबरदस्ती राष्ट्रगीत गवाया जा रहा है हम लोगों से, जो होने नहीं देंगे भारत। भारत में लोगों ने कहा था राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर भी बना और भारत का राष्ट्रगीत हमारे आत्मा में बसा रहा है। तो आपने देखा कि गिरिराज सिंह ने साफ साफ है असदुद्दीन ओवैसी को संदेश दे रहे हैं कि 1947 फिर से दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। उन्होंने राष्ट्रगीत को लेकर के कहा कि वो दिल में और सब में एक तरीके से उनके अंदर से रचता बसता है। उन्होंने कहा है कि इस देश में जो कुछ भी है राष्ट्रवाद है, यहाँ तक कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी संसद में देश को लेकर के या भाषण देते हैं या बाहर भाषण देते हैं, उस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा है कि वो हमेशा राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, वो जिन्ना का हमेशा सपना पाल करके बैठे रहते हैं और वो उसी चीज़ को देश में लागू भी करना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि इस चीज़ को देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि जब उनके नेता ही इस तरह का व्यवहार करते हैं तो उनके विधायक से क्या अपेक्षा की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि अख्तरुल ईमान जो जिस तरीके से राष्ट्रगीत को लेकर के उन्होंने एतराज़ जताया है, जब विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र समापन में जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एक नीति लाई गई कि राष्ट्रगान से शुरुआत होगी और राष्ट्रगीत से समापन, उस चीज़ को लेकर के उन्होंने कड़ा एतराज़ जताया, विरोध जताया। अब देखना यह होगा कि इसके बाद किस तरीके से पूरा ये मुद्दा आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है कि बीजेपी बिहार में लगातार इस चीज़ को लेकर के विरोध कर रही है। दिल्ली से सौरव राज, लाइव सिटीज़।